हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानते हैं बेटाडीन क्रीम के फायदे, नुकसान और इस्तेमाल करने की पूरी जानकारी। आइए जानते हैं फ्रेंड्स, बेटाडीन क्रीम किस किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। बेटाडीन क्रीम का उपयोग शरीर पर आई चोट को ठीक करने के लिए किया जाता है। त्वचा पर कट, यदि आपकी त्वचा पर कभी भी किसी कारण ब्लेड से या फिर किसी अन्य चीज से कट लग जाता है तो ऐसे में इस दवा का उपयोग करके आप चोट को ठीक कर सकते हैं। घाव से खून आना, फ्रेंड्स कई बार जब आपको कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ से लगातार खून निकलने लगता है, ऐसे में इस दवा का उपयोग करके खून को रोका जा सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, शरीर पर आई चोट में कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है जो आपको तकलीफ पहुँचा सकता है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। स्किन साफ, कई बार बेटाडीन क्रीम का उपयोग चोट को साफ करने में किया जाता है। ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल, डॉक्टर कई बार इस दवा का उपयोग ऑपरेशन से पहले भी प्रयोग करते हैं। स्किन जलने पर, यदि आपकी त्वचा कभी किसी कारण जल जाती है और उसमें जलन और दर्द होता है, आप इस दवा का उपयोग करके जलन को शांत और चोट को ठीक कर सकते हैं। बेटाडीन क्रीम शरीर पर आए हर तरह के घाव को ठीक करने में सक्षम है। आइए जानते हैं बेटाडीन क्रीम के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें पोविडोन आयोडीन 5% है। अब जानते हैं बेटाडीन क्रीम के इस्तेमाल के बारे में। तो बेटाडीन क्रीम का उपयोग अपने अनुसार कर सकते हैं। जब आपको चोट लगे तब इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग वहीं पर करना चाहिए जहाँ पर चोट लगी होती है। एक दिन में इसका उपयोग 2 से 3-4 बार किया जा सकता है। अब जानते हैं बेटाडीन क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में। तो बेटाडीन क्रीम हमारी कई समस्याओं को दूर करता है, लेकिन जब इसका उपयोग ठीक तरह से ना किया जाए तो इससे आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे बेटाडीन क्रीम के कारण आपको अपनी त्वचा पर जलन देखने को मिल सकती है। इसके उपयोग से आपको बेचैनी महसूस हो सकती है और आपकी त्वचा पर इससे खुजली हो सकती है। बेटाडीन क्रीम आपको कोई भी मेडिकल शॉप में या मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। वैसे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बात करते इसकी एमआरपी के बारे में, तो एमआरपी 68 रुपीज इसकी एमआरपी है और आपको 25 ग्राम क्रीम मिलती है। फ्रेंड्स, ये है बेटाडीन क्रीम की पूरी जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद।